आज हम देखेंगे कि आप अपने CP+ के कैमरे को ऑनलाइन अपने मोबाइल में लाइव कैसे देखेंगे, कैसे आप अपने DVR को ऑनलाइन करेंगे और आप अपने कैमरे को अपने मोबाइल से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। CP+ के DVR को ऑनलाइन आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप LAN वायर के थ्रू DVR को इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं और दूसरा Wi-Fi के थ्रू आप अपने DVR को ऑनलाइन कर सकते हैं। मैं आपको DVR को ऑनलाइन करने के लिए दोनों तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने DVR का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ राइट क्लिक करें, यहाँ मेन मेन्यू में क्लिक करें, यहाँ आप सेटिंग में नेटवर्क में क्लिक करें, यहाँ आप इंस्टा ऑन क्लाउड में क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे DVR का स्टेटस अभी ऑफलाइन है। मैं आपको सबसे पहले LAN केबल के थ्रू इस DVR को ऑनलाइन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं LAN केबल को अपने DVR में कनेक्ट कर लेता हूँ। ये LAN केबल हमारे राउटर से कनेक्टेड है जिससे कि इस DVR को इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। LAN केबल हमारे DVR से कनेक्ट हो चुका है, अब मैं चेक कर लेता हूँ। उसके लिए आप यहाँ राइट क्लिक करें, यहाँ मेन मेन्यू में क्लिक करें, यहाँ सेटिंग के नीचे नेटवर्क में क्लिक करें, यहाँ इंस्टा ऑन क्लाउड में क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा DVR ऑनलाइन हो चुका है। अगर आपके DVR में LAN केबल लगाने के बाद भी आपके DVR का स्टेटस ऑनलाइन शो नहीं करता तो आप TCP/IP में क्लिक करें, यहाँ आप DHCP सेलेक्ट कर लें, यहाँ अप्लाई में क्लिक करें और सेव में क्लिक करें। अब आपके DVR का स्टेटस ऑनलाइन शो होने लगेगा। तो ये पहला तरीका था आपके DVR को ऑनलाइन करने का, जो कि हमने LAN केबल के थ्रू किया। अब मैं आपको DVR ऑनलाइन करने का दूसरा तरीका बता देता हूँ। तो उसके लिए मैं अपने DVR से LAN केबल रिमूव कर लेता हूँ। DVR को ऑनलाइन करने का दूसरा तरीका ये है कि आप Wi-Fi रिसीवर के थ्रू अपने DVR को ऑनलाइन कर सकते हैं। CP+ के DVR में D-Link और Netis का Wi-Fi कंपैटिबल होता है। CP+ के DVR में और भी कई Wi-Fi अडेप्टर सपोर्टेड होते हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप CP+ के टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप D-Link या Netis का Wi-Fi रिसीवर यूज करें। मैं इस DVR को D-Link के Wi-Fi से ऑनलाइन करूंगा। ये मेरा D-Link का Wi-Fi है। मैं सबसे पहले इसे अपने DVR से कनेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ राइट क्लिक करें, यहाँ मेन मेन्यू में क्लिक करें, यहाँ आप सेटिंग के नीचे नेटवर्क में क्लिक करें, यहाँ आपको वाईफाई का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके DVR में वाईफाई का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप CP+ के टोल फ्री नंबर में कॉल करके अपने DVR का सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद ये वाईफाई का ऑप्शन आपके DVR में आ जाएगा। यहाँ आप वाईफाई में क्लिक करें, यहाँ आप देख सकते हैं जो भी वाईफाई नेटवर्क है वो यहाँ शो हो रहा है। अगर आपके DVR में ये शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर लें। अब मैं इस वाईफाई को अपने DVR से कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए आप यहाँ डबल क्लिक करें, यहाँ आप अपने वाईफाई का पासवर्ड टाइप करें, यहाँ कनेक्ट में क्लिक करें, यहाँ ओके में क्लिक करें। हमारा DVR वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे DVR में वाईफाई का लोगो भी आ चुका है। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आप ध्यान रखें यहाँ वाईफाई ऑटो कनेक्ट में ज़रूर टिक कर दें। यहाँ टिक कर देने से ये फ़ायदा होगा कि कभी भी आपका DVR बंद हो जाए या आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाए तो वो जब भी ऑन होगा तो वाईफाई से ऑटो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे DVR का स्टेटस भी ऑनलाइन हो चुका है। अब मैं इसे मोबाइल से कनेक्ट करूंगा। CP+ के कैमरे को अपने मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए हमें अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना होगा। तो उसके लिए आप अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लें, यहाँ टाइप करें GCMob, यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर लें, यहाँ ओपन में क्लिक करें, नेक्स्ट में क्लिक करें, अलाउ में क्लिक करें, यहाँ आप राइट टॉप में जो बटन है उसमें क्लिक करें, यहाँ प्लस वाले आइकन में क्लिक करें, ओके में क्लिक करें। हमारा जो CCTV लगा हुआ है वो वायर्ड डिवाइस है तो इसे आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ नेक्स्ट में क्लिक करें, यहाँ इंस्टा ऑन में क्लिक करें। यहाँ आप कैमरे का नाम सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने DVR का सीरियल नंबर स्कैन कर लें, यहाँ आप अपने DVR का यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप कर दें, यहाँ आप लाइव प्रीव्यू में मेन सेलेक्ट कर लें, प्लेबैक में भी आप मेन सेलेक्ट कर लें, यहाँ स्टार्ट लाइव प्रीव्यू में क्लिक करें। आप देख सकते हैं हमारा कैमरा हमारे मोबाइल से कनेक्ट हो चुका है।
तो इसी तरह आप अपने CP Plus के कैमरे को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने CP Plus के कैमरे को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।